है मेरा नाश्ता, दो फ्राइड अंडे, एक प्लेट का पीस, वो मेरी चाय पूरी है। ये मैं बनाने लगी हूँ फिश। मेरे हस्बैंड ये तीन फ्रेश फिश के पीस लेके आए थे बाज़ार से, और उन्होंने निकलना है अभी अभी, उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग है ज्यूरिख के लिए। तो मैं बस फटाफट इसको बिल्कुल ऑमलेट स्टाइल में बनाऊंगी, जैसे ऑमलेट बनाते हैं हम अंडों का। और ये तीन चीज़ें डालूंगी, प्याज लहसुन के चार पांच जवे ले लिए हैं, और छोटा सा पीस एक अदरक का ले लिया, और फटाफट बन जाता है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है ये मछली। और इधर मैंने फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख दिया, तो अब मैं ये बनाती हूँ। 5 से 10 मिनट लगेंगे बनने में। इस पर मैं ये डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल थोड़ा सा, बिल्कुल ये है कोकोनट का। और ये प्याज और लहसुन को मैंने इकट्ठे दोनों को चॉप कर लिए। इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है, ये प्याज को मैंने बस हल्का सा फ्राई कर लिया। इसमें ये मैं अदरक डाल रही हूँ जो मैंने काटा है, और उसके साथ थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, और ये थोड़ा सा नमक और काले मिर्च। बस इनको डाल के, और ये मैंने फिश के पीसेस कर लिए, एक पीस के तीन तीन पीसेस कर लिए, इसको मैं सब डाल दूँगी। और 3 से 4 मिनट के लिए मैं बस इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए, और फिर बस हमारी मछली तैयार हो जाएगी। ये मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक के रखा था, और ये देखेंगे मछली बिल्कुल नरम हो गई है। अब इसको मैंने बिल्कुल जैसे ऑमलेट का हम खगीना बनाते हैं, भुजिया सी बन जाती है, इसको वैसे बना लेना। इस तरह एक तो ये कि जो मछली की गज़ाइत होती है वो भी बरकरार रहती है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डलता, बिल्कुल ड्राई नाम, और गज़ाइत भी रहती है और पेट भी भर जाता है, और एक मज़ेदार चीज़ खाने को मिल जाती है। मेरे घर में ज़्यादातर खाने सब्ज़ियाँ वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो मैं बनाती हूँ, ये है कि बस झटपट बन जाती हैं फटाफट, ये नहीं कि भूनो, और बिरयानियाँ और पुलाव बनते हैं वो भी, लेकिन कम कम बनते हैं, इतने ज़्यादा नहीं बनते। इस तरह की चीज़ें हैं जो फटाफट फटाफट फ्राइंग पैन में बन जाती हैं। अब इसको मैंने 2-3 मिनट और हल्का सा बस हल्की आग पे जैसे कहते हैं भूनना है, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए प्याज और मछली, ये मछली हमारी तैयार हो जाएगी। ये मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ 4 बजे की चाय, और इधर ये ब्राउन राइस मैं भिगोने लगी हूँ, मेरे हस्बैंड रात को ये खाएंगे। अभी भिगो के रख दूँगी, 2 घंटे भीगे रहेंगे तो फिर मैंने बनाऊंगी। ये इस तरह के हैं ब्राउन राइस, ब्लैक भी हैं, ब्राउन भी हैं, और वाइट सा कलर भी है, 2-3 तरह के। बहुत मज़े के बनते हैं, और ये इतने मज़े के बनते हैं कि इसके ऊपर ना भी कोई चीज़, दही सालन या कोई चीज़ ना भी डालो, खाली ये खाओ तो बहुत मजा आता है। अबे मैं शर्मा में क्या चुप बात, मैं जुबो मारे हैं कुछ पर कुछ चीज।
ये मैंने जो ब्राउन राइस भिगो के रखे थे अब उनकी पक के ये शक्ल हुई है। इनको भी मैंने दम पे रखा हुआ, बनते बहुत मज़े के हैं। ये बन गए हैं ब्राउन राइस।